look at this question. If a cube plus b cube equal to 0, then the value of log a plus b minus half log, sorry, a plus log b plus log 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है कितनी होगी, ठीक है। अब मेरे को प्रॉपर्टी पता होता है कि log a b की वैल्यू क्या होती है, log a plus log b, और सिमिलरली गोज विथ 3, मतलब log a b c की वैल्यू कितनी हो जाती है, log a plus log b plus log c, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को लिख सकता हूँ, मैं पूरा नीचे लिखता हूँ, ये कितना जाएगा, log a plus b minus half log 3 a b, ठीक है। अब बाहर से पावर हाफ है log के, तो ये इसकी पावर में चल जाएगी, तो कितना जाएगा, log a plus b minus log 3 a b की पावर 1/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इफ अगर हमारे पास मान लो होता है 1/a log c, तो इसको लिख सकता हूँ मैं log c की पावर 1/a, तो मैंने वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी है। अभी log a माइनस log b का फॉर्मूला है, तो ये होता है log a प्लस बी अपॉन अंडर रूट 3 ab, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमें दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, तो ये कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था हमारे पास, ये होता था ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हमको 0 दे रखा है। इसका क्या मतलब होगा, या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो ये लॉग डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता, इसलिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3ab, तो इसको मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, अंडर रूट 3 आएगी, तो log अंडर रूट 3ab अपॉन अंडर रूट 3ab, तो कितना जाएगा log 1 दैट इज 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, a 0।